हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी हाउ आर यू ऑल डूइंग डूइंग आई होप आर आर ग्रेट फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लाट 2023 टू बी हेल्ड इन दिसंबर 2022 फ्रॉम अगस्त 2022 विद बोट्स तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या दी हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं कैन वी स्टार्ट फ्रॉम नाउ फ्रॉम जीरो स्टार्ट फ्रॉम नाउ फ्रॉम जीरो बिल्कुल कर सकते हो बिल्कुल क्लाट की आप प्रिपरेशन बिल्कुल कर सकते हो डिटेल में अभी मैं थोड़ी देर में बात करूंगी दूसरी चीज जो बच्चे बोल रहे बोर्ड्स भी हैं हमारे और इस बार तो फेब में हो रहे हैं बोर्ड्स ये बोला जा रहा है तो बोर्ड इन क्लाट को कैसे मैनेज करें क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए ये एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं तो ये भी डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद मैं तुम्हें तो बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है टाइम मैनेजमेंट और फिर हम डिस्कस करेंगे डे टू डे स्केड्यूल ठीक है ना तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन से पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बटन पर हिट कर देना और ऑल नोटिफिकेशंस कर देना ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही लाइव जाए लॉगरी पे आपको सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट पता चले आप अपनी प्रिपरेशन में वो लगाओ और सबसे आगे निकल जाओ एंड कमेंट करके बताना कि मैं आपकी और कैसे हेल्प कर सकती हूँ आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ Right. Let's start with session. Ke yeah, guys. Welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggiri. We do pretty motivational stuff out there. If you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. कैन यू क्लियर क्लैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ दैट इज ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू से अगर स्टार्ट करते हो तो क्या दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तक मेरी प्रेपरेशन हो जाएगी दीदी मुझे तो लोग कह रहे नहीं होगी हो सकती है बेटा अगर आप ऑगस्ट सितंबर अक्टूबर, नवंबर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यस बिल्कुल आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो इन फोर मंथ्स के अंदर आप तैयारी कर सकते हो आपके पास फोर मंथ्स हैं आप तैयारी कर सकते हो बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ क्लैट एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है ठीक है प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम कैसे है वो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली अच्छे से थ्योरी पढ़ ली उसके आपने बुक के अंदर ही नोट्स बना लिए तो आप सेकंड स्टेप पे आ सकते हो दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ठीक है और फिर थ्योरी के पास जाओ जब आपको प्रॉब्लम आए तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही चांसेस बनेंगे कि आप एग्जाम क्लियर कर पाओ क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट की भी अपने आप हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो करेक्ट भी आंसर आएगा ठीक है ना आंसर सही भी आएगा एक्यूरेट भी आएगा और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी यहाँ पे लर्निंग बेस्ड नहीं है लर्निंग बेस्ड हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है दैट इज योर करंट अफेयर्स ठीक है ना उसकी भी बात करेंगे क्या करना है बट हमारे पास यहाँ पर यह कि हमने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिए फिर उसके बाद प्रैक्टिस 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 करी तो हमारे पास अच्छा मतलब टाइम रह जाता है तो हमने फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट बनाकर प्रैक्टिस की तरफ चलना है तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही अच्छा स्कोर बनने के चांसेस रहते हैं ठीक है नंबर वन तो ये चीज है कि प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये एक स्किल बेस्ड इस एग्जाम है बस आपको ये सीखना है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है समझना है सीखना है और फिर उसको लगातार मतलब पहले हमें समझना है अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है ठीक है ना और फिर अंडरस्टैंडिंग के साथ-साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल लेकर आनी है इन दोनों को मिलाकर अगर हम प्रैक्टिस 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 करते रहते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है सेकंड पॉइंटर जो है हमारा वो ये है सिलेबस कम है सिलेबस अगर हम टॉपिक्स अगर हम सेक्शन वाइज सिलेबस डिस्कस करते हैं ना सेक्शन वाइज जो कि मैं इस वीडियो में भी करूंगी सेक्शन वाइज अगर हम सिलेबस करते हैं तो टॉपिक्स कम हैं इंग्लिश के अंदर सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं बाकी क्या है और इंटरलिंक्ड हैं टॉपिक्स कम है सिलेबस इज़ लेस और इंटरलिंक्ड है ठीक है अगर एक चीज़ करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर करवा देती हैं राइट तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है तो कम टॉपिक्स के अंदर हम बहुत अच्छे से वो टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये एक बेनिफिशियल चीज है और इसके लिए हमें क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर मैं कहूँ कि आपको फो में पढ़ना सबसे पहले आपको समझना होगा स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट ठीक है हार्डवर्क हर कोई करता है ठीक है ना कल आपका साइंस का एग्जाम है और आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो यह हार्डवर्क माना जाएगा नहीं साइंस का आपको कुछ भी नहीं आता है और आप मैथ्स पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो देखो मैं पढ़ रहा हूं ये नहीं करना तो इसलिए स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट क्या है स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लाट के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए ठीक है ना आपको मेक श्योर करना है कि आप रॉन्ग टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हो इवन अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करा हुआ है ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको सिलेबस के बारे में पता हो एंड सिलेबस के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो करी हुई है

पढ़ने हैं ठीक है ना ये नंबर नंबर वन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर टू आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन टाइप कौन से टाइप के क्वेश्चन हमें क्लैट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कैसे पता चलेगा पहले सिलेबस के लिए मेरी वीडियो देखोगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा क्वेश्चन टाइप के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे अगेन आपको डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉगिरी डॉट कॉम पर फ्री के अंदर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करे गए हैं तो वो आप देखिए 2020 का पेपर देखिए 2021 का पेपर देखिए 2022 का पेपर देखिए एंड आपको क्वेश्चन टाइप्स पता चलेंगे अगर यू वांट मी टू डू अ वीडियो ऑन क्वेश्चन टाइप्स तो मैं कर सकती हूँ टाइप इन द कॉमेंट सेक्शन की चाहिए वीडियो तो क्वेश्चन टाइप पता होना चाहिए आपको और आपको स्टडी रिसोर्सेस पता होना चाहिए कि कौन सी बुक में से पढ़ना है बहुत बच्चे गलत बुक उठाकर पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं एंड एंड में उनको पता चलता है कि ये तो हमें नहीं पढ़ना था या फिर पेपर के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें आ रखी होती हैं तो आपको करेक्ट स्टडी मटीरियल भी यूज़ करना है तो करेक्ट स्टडी मटीरियल के बारे में कैसे पता चलेगा मैंने बुक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी करी हुई है बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ फ्री में चार्ट कर सकते हैं एट आई एम लॉगरी के नाम से हूँ मैं इंस्टाग्राम पर एंड आप मेरे साथ एक पेड सेशन भी बुक करवा सकते हैं पेड सेशन के अंदर हम सब कुछ ही डिस्कस करेंगे फिर आपका टाइम टेबल भी बुक्स भी सब कुछ तो पेड सेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है वो भी आप बुक कर सकते हैं तो स्मार्ट स्टडी के लिए अगर आप ये सब चीज़ें समझ लेते हैं कि देखो सिलेबस कम है अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा टाइम पर मैं अपनी थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिस प्रैक्टिस पर आ जाऊँगा तो मेरी बात बन सकती है ठीक है वो सब कुछ कैसे करना है ये मैं समझाऊंगी आपको एंड आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है क्वेश्चन पैटर्न क्या है क्वेश्चन टाइप क्या है और मेरे को सही बुक्स में से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए हाउ टू स्टडी वाला पार्ट भी पता होना चाहिए तो बिल्कुल आप अपने बोर्ड्स के साथ मैनेज कर सकते हैं अगर आप करेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम दे अपने uh, you know, तो ट्वेल्थ के, के, के बोर्ड्स मैटर करते हैं या नहीं देखो अगर आपका एम ठीक है ना मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ हमारे पास टू टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स कौन से होते हैं पहला टाइप होता है वो कहते हैं कि मुझे तो बनना ही लॉयर है एडवोकेट ही बनना है और एडवोकेट बनने के लिए मुझे करनी ही फाइव ईयर लॉ है ठीक है ना फाइव ईयर लॉ करनी है ठीक है और एक टाइप होता है कि अगर मुझे बेस्ट कॉलेज मिलेगा बेस्ट कॉलेज के अंदर वो कहते हैं कि अगर मुझे एन मिल जाए मुझे सिम्बाइसिस मिल जाए ठीक है ना मुझे यू नो एम जी मिल जाए ठीक है कुछ कॉलेज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली मिल जाए तो कुछ कॉलेजेस उन्होंने डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि अगर मेरी यहाँ यहाँ पर एडमिशन हो जाती है तभी मैं लूँगा नहीं तो मैं कुछ और करूँगा ठीक है ना ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स भी होते हैं कि वो कहते हैं बेस्ट कॉलेज ही करूँगा नहीं तो मैं थ्री ईयर लॉ के लिए चला जाऊँगा ठीक है ना जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आर ट्वेल्थ बोर्ड इम्पोर्टेंट क्या जो ट्वेल्थ के बोर्ड हैं वो सच में इंपॉर्टेंट है क्या उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आने से आपका कुछ बनेगा देखिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियरली समझाती हूँ देखिए एक टाइप का तो स्टूडेंट वो है ये कह रहा है कि मुझे फाइव ईयर लॉ ही करनी है फाइव ईयर लॉ कोर्स के लिए ही जाना है ठीक है ना ठीक है एक तो ये टाइप के होते हैं कि कोई भी मिल जाए फाइव ईयर लॉ कोर्स के लिए जाना है इवन थ्री ईयर के लिए भी जाना एक होते हैं वो कहते हैं कि अगर मुझे फाइव ईयर का बेस्ट कॉलेज मिल गया तो फाइव ईयर कोर्स के लिए जाऊंगा अगर फाइव ईयर का बेस्ट कॉलेज नहीं मिला तो मैं थ्री ईयर लॉ करूँगा बट मुझे जाना बेस्ट लॉ स्कूल में ही है और करनी भी मुझे लॉ ही है ऐसे टाइप के बच्चे भी होते हैं वो कहते हैं करनी भी लॉ ही है और बेस्ट लॉ स्कूल से ही करनी है अब एक टाइप का बच्चा होता है कि अगर मुझे फाइव ईयर लॉ कोर्स का अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है नहीं तो मैं अपनी ग्रेजुएशन भी जो है ना जो ग्रेजुएशन है मे बी बी ए बी कॉम बी बी ए ये सब भी मैं बेस्ट कॉलेज से करना चाहती हूँ और फिर मैं मैं देखूंगी कि अगर मेरा यहाँ पर बनता है तो ठीक है नहीं तो फिर मैं देखूंगी थ्री ईयर लॉ करना है, या फिर मेरा पक्का ही है कि बेस्ट कॉलेज बट मुझे अपनी ग्रेजुएशन भी जो है ना वो बेस्ट कॉलेज से ही करनी है तो अगर हम इन सब की बात करें या फिर आपका कोई और बैकअप है इंजीनियरिंग है कुछ भी है तो जो भी आपका है अगर हम बी ए बी कॉम बी बी ए की बात करें बिकॉज नॉर्मली स्टूडेंट्स इसके लिए ही जाते हैं जो लॉ करना चाहते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप थ्री ईयर लॉ कर सकते हो ठीक है तो इसके लिए अब अगर हम बेस्ट यूनिवर्सिटी देखें तो कौन सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम बीबीए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट मानी गई है उसके कॉलेजेस बेस्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम लेने लगी है सीयूईटी -E का ठीक है सीयूईटी -E का एग्जाम लेने लगी है तो अगर हम देखें, हमें ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स लेकर इतना फायदा नहीं होने वाला हमारा फायदा कब होगा अगर हम सी यू टी के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं और CUET टी के अंदर अगर हम देखें तो जो हमें पर्टिकुलर ठीक है ना अगर हम ट्वेल्थ बोर्ड पे फोकस करने की बजाय अगर मेरा ये प्लान है तो क्यों ना जो मुझे CUET टी के लिए पढ़ना है उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करूं ठीक है ना कि क्योंकि ये मेरा बैकअप है CUET टी ठीक है ना और मैं क्लाट के सब्जेक्ट्स पे फोकस करूं एंड अगर मेरे ट्वेल्थ के अंदर अराउंड अबाउट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट भी आ जाते है, जो कि आ सकते हैं अगर आप दिसंबर जनवरी का मंथ और अभी भी पढ़ेंगे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा टाइम उठाकर आप क्लाट को दे दो नो no. अभी भी आप मैक्सिमम टाइम अपने ट्वेल्थ को ही दे रहे हो बट क्लाट को भी अगर आप टाइम निकाल कर दे दोगे आई कैन गारंटी कि आपके ट्वेल्थ में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे पर अगर आप मान लो कम भी आते हैं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आ गए क्लैट में आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कम है क्लैट के लिए ठीक है ना तो आप अगर ये करते हो देखो अब आपके पास क्या चॉइस है यहाँ पर देखो एक आप अपनी लाइफ सोचो जून 2023 के अंदर आपके पास ये चॉइसेस हो सकती हैं एक तो कि आपके एनएलयू में एडमिशन हो गई है ठीक है और दूसरी साइड ठीक है और आपके मार्क 60 टू सेवेंटी परसेंट आए हैं ट्वेल्थ के अंदर ठीक है ना एक तो ये आपकी सिचुएशन है दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है वो क्या हो सकती है कि दूसरी सिचुएशन आपको नो एन एल यू नो गुड कॉलेज नो गुड लॉ स्कूल ठीक है ना कोई आपको अच्छा लॉ स्कूल नहीं मिल रहा है ठीक है बट आपके ट्वेल्थ में नाइन्टी फाइव परसेंट आए हैं ठीक है ना और फिर आप मतलब क्योंकि अगर आपके ट्वेल्थ में 95 परसेंट आए हैं तो ऑब्वियसली आप यू नो अराउंड अबाउट सी के अंदर भी अच्छा कर ही जाओगे और फिर ये जाओगे क्योंकि बट सी के अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट्स ही चाहिए होते हैं सारे ट्वेल्थ के सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए होते अगेन सी पे मैंने डिटेल वीडियो करा हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको तो आप ये कौन सी सिचुएशन बेटर है ये वाली सिचुएशन जिसके अंदर नो एन एन यू नो गुड स्कूल या ये वाली सिचुएशन आई थिंक अगर आप सच में फाइव ईयर लॉ कोर्स ही करना चाहते हो तो ये वाली सिचुएशन ज्यादा बेटर नहीं रहेगी कि हमारे ट्वेल्थ में क्योंकि अब ट्वेल्थ पता क्या काम रहेगा ट्वेल्थ का सिर्फ लोगों को बताना कि हमारे इतने परसेंट आए वो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है ठीक है एक्चुअल में आप CUET में अच्छा करते हैं और लॉ entrance एग्जाम्स में अच्छा करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है तो मेरे ख्याल से आपको इन सब चीज़ों पे अब ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ट्वेल्थ के अंदर अगर आपके सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट भी आते हैं यू शुड बी फाइन विद इट ठीक है ना और अगर आप वो वाले स्टूडेंट है जो कहने है कि जी मुझे तो करनी ही फाइव ईयर लॉ कोर्स है ये सी यू टी वाला रास्ता नहीं अपनाना है तो बेटा फिर तो तुम्हारे लिए मतलब वो वाली चीज तो ये है कि तुम ठीक है अपना पासिंग मार्क्स लेकर आओ सिक्सटी सेवेंटी परसेंट अपने ट्वेल्थ में लेकर आओ जो कि आपका नॉर्मल पढ़कर आ जाते हैं ठीक है और आप अपना मेजर फोकस फाइव ईयर लॉ कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स पे दो ठीक है लॉजिकली तो ये बनता है बट ये डिसीजन आप खुद से नहीं ले सकते आपको अपने पेरेंट्स को बिठाना पड़ेगा उनके आगे ये वीडियो प्ले करनी पड़ेगी उनको समझाना पड़ेगा एंड उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि आर यू फाइन अगर मेरे ट्वेल्थ में कम मार्क्स आते हैं अब एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चे बोलते हैं कि दी अगर ऐसा हो गया कि हमारी ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी किसी में अच्छे में एडमिशन नहीं होती ईयर लॉ कॉलेज में भी और उधर से हमारे ट्वेल्व के मार्क्स भी कम आते तो हमारे ऊपर तो टैग लग जाएगा कि ये तो इसमें तो दिमाग ही नहीं है है ना ये टैग लग जाएगा मेरे ऊपर कि ये तो मतलब इसमें तो ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट और शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट ये तो मैं है ये तो एवरेज है देखो यार मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी अगर फाइव ईयर लॉ कोर्स में नहीं भी मिलता है तो फिर तुम ग्रेजुएशन के, के लिए जा सकते हो देन थ्री ईयर लॉ के लिए जा सकते हो बट ये जो रिस्क है ना ये वर्थ टेकिंग है ठीक है ना बिकॉज अगर तुम पूरा का पूरा टाइम ट्वेल्थ को दे रहे हो और फाइव ईयर को कुछ नहीं दे रहे हो जो कि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं क्या फायदा हो जाएगा एंड में अगर ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो कि कोई अच्छा कॉलेज तुम्हें एडमिशन देने को तैयार नहीं नाइन्टी है क्या करोगे फिर भी एक नॉर्मल लॉ स्कूल के अंदर ही जाओगे ना सॉरी नॉर्मल लॉ स्कूल के अंदर भी जा सकते हो प्राइवेट के अंदर या फिर तुम ग्रेजुएशन uh, करोगे तो इसलिए ये चीज सोचने वाली है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ये प्रूव करने के लिए कि मैं एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ ट्वेल्थ में मार्क्स लेना उन उसके लिए मेहनत करना क्या सही है या फिर एक फाइव ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए सच्चे दिल से मेहनत करना अपना सब कुछ उसमें डाल देना जो मैं बोल रही हूँ वो करना और उसको क्रैक कर देना इज अ बेटर थिंग टू डू इन लाइफ ये आपको डिसाइड करना है बट मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है कि आप क्लैट के लिए प्रेपरेशन करते रहो ट्वेल्थ के लिए ट्राई करो 60 टू 70 परसेंट आ जाते हैं मुझे पता है मैंने बच्चों को देखा है एंड आप एक अच्छे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या एक अच्छे लॉ स्कूल में पहुँच जाओ ठीक है तो क्लैट के अंदर आपको अगर एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है 45% मार्क्स आपको चाहिए ट्वेल्थ के अंदर ट्वेल्थ की कितनी चाहिए कि परसेंट वाले को हम कुछ करेंगे कुछ नहीं इनको कोई मतलब नहीं है, आपके 12th में नेशनल है यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो क्लैट है वो क्लियर कर लिया, आपको दे दी अब बहुत बच्चे पूछते हैं दी इंटरव्यू के टाइम पर जब हम पांच साल पूरे कर जाएंगे और कंपनी आएगी हमारी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू वाले क्या कहेंगे बेटा तब तक इतनी इंटर्नशिप्स इतने इतना तुम्हारा रिज्यूमे में अलग बन जाएगा उनको तुम्हारी ट्वेल्थ की परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है ना उनको भी पता है कि अगर इस बच्चे ने क्लैक क्लियर करा है तभी वो इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बैठे तो वो तुम्हारा जो नेम टैग है ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का वो तुम्हारी ट्वेल्थ की परसेंटेज को पीछे कर देगा वॉट वुड मैटर इज तुमने फिर लॉ स्कूल में क्या किया उनको ट्वेल्थ की परसेंटेज से कुछ लेना देना नहीं है ठीक है तो फोर्टी आपको चाहिए होंगे फोर्टी अगर आप एस सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो ठीक है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या है क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट 150 फिफ्टी uh, मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा टू आवर्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 150 ऑफ मार्क ईच होंगे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है तो अगर आप गलत आंसर देते हैं तो मार्क्स जो है वो कटेंगे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए इसके बाद बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की देखो यार बहुत जरूरी आपको पता होना कि कौन सेक्शन में uh, से, से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं ठीक है ना इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 28 एट टू थर्टी टू क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स में 35 फाइव टू थर्टी नाइन लीगल रीजनिंग में 35 फाइव टू थर्टी नाइन लॉजिकल रीजनिंग में 28 एट टू थर्टी टू क्वांटेटिव टेक्नीस में 13 टू 17 क्वेश्चन क्वानिटिव टेक्निक्स आपका मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन को ये कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अब कंप्लीट स्ट्रैटेजी टू क्रैक क्लास ट्वेंटी टू इन फोर मंथ विद बोर्ड एग्जाम्स ठीक है अब हम बात करते हैं टाइम की देखो यार मिनिमम टाइम जितना देना पड़ेगा वो है थ्री आवर्स मिनिमम ठीक है और अगर सबसे बेस्ट टाइम जो तो आप दे सकते हो वो है फोर आवर्स ये सेल्फ स्टडी का टाइम है अगर आप कोई कोचिंग के लिए जा रहे हो कुछ जा रहे हो वो नहीं इंक्लूड है अगर आप फोर आवर्स हर रोज दे सकते हो एंड प्लस टू आवर्स एक्स्ट्रा या जितना भी टाइम आप सनडेज को वीकेंड पे दे सकते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होगा दी बेस्ट और यहाँ पर जब भी कोई छुट्टी है वेकेशन है कुछ भी है उसका आप बहुत ही अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हो भूल जाओ फैमिली में कोई शादी है कोई कुछ है कोई पार्टी है सब कुछ भूल जाओ और अपने ये चार महीने सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक मिनट भी मिलता है उसके अंदर यू हैव हाँ to prepare for CLAT. अगर ऐसा करोगे तो yes, आप बिल्कुल बिल्कुल चार महीने के अंदर CLAT को क्रैक कर सकते हो राइट right, तो इतना टाइम चाहिए फोर आवर्स दे सकते हो तो दिस इज द बेस्ट ठीक है कोई ट्यूशन छोड़नी पड़ रही है उसको छोड़ दो आपको जल्दी उठकर पढ़ना पड़ रहा है जल्दी उठकर पढ़ो आप लेट नाइट तक पढ़ सकते हो लेट नाइट तक पढ़ो कोई क्लास के अंदर स्कूल के अंदर ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आपको कुछ समझ नहीं आता है उसमें अपनी नोटबुक नीचे रखकर पढ़ते रहो यस आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा अगर आप क्लैट क्लियर करना चाहते हो यहाँ पे मैं सीक्वेंस डिस्कस करना चाहती हूँ मतलब ऑर्डर डिस्कस चाहती कि किस ऑर्डर में आपको टॉपिक्स कवर करने सबसे पहले उठा लो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले देखो इंग्लिश के अंदर आपके दो ही टॉपिक्स हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर एक तो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है जिसको हम पैसेजेस भी बोल देते हैं बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है ठीक है और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो फिगर्स ऑफ स्पीच है आपका मेन टॉपिक जो है फिगर्स ऑफ स्पीच अलग से नहीं आएगा पैसेजेस के बेस पे ही आता है जो जो आपका मेन टॉपिक बनता है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है यहाँ पर और आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया तो आपका इंग्लिश का सेक्शन भी हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया तो इंग्लिश का सेक्शन भी हो गया तो मतलब अगर आप इस सेक्शन को सबसे पहले खत्म कर लेते हो तो फिर आप बाकी तीन महीने प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी इसलिए ये वाला सेक्शन अगर पहले करते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ये टॉपिक एंड ये टॉपिक अगर पहले कर लेते हो तो आपको लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें भी बहुत हेल्प मिलती है तो ये टॉपिक हमने सबसे पहले करना है कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहशन के लिए अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ मेन थीम क्या है सेंट्रल आइडिया क्या है टोन ऑफ द पैसेज क्या है ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर क्या अज्यूम कर रहा है लॉयर लॉयर uh, नहीं ऑर्डर uh, या फिर क्या इन्फर कर सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें ये पूछते हैं ठीक है ना अब आप कहोगे हम तो अपने स्कूल के अंदर भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं इंग्लिश के अंदर बट वो वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब उसके अंदर हमें क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है और उसको सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखना है ठीक है ना ना ये करते हैं ना हम हंट करते हैं क्वेश्चन को सर्च करते हैं अगर बट यहां पर आपको सीखना पड़ेगा कि जब वो बोल रहे मेन थीम ऑफ द पैसेज क्या है तो आपको पता होना चाहिए मेन थीम का मतलब क्या है इंफ्लेंस का मतलब क्या है अब आपको वो तो पता नहीं होता आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हो कहते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत डिफिकल्ट difficult है डिफिकल्टी लगेगा ना क्योंकि आंसर से ही नहीं आ रहा तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले गुड फोर टू फाइव डेज लगाकर दो दो घंटे लगाकर हमें ये सीखना है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं तो गाइस अगेन अगर आप मेरी तीन वीडियोस जो मेन वीडियोस मैंने आपके लिए कर दी हैं वो आपकी बाइबल होनी चाहिए अगर आप वहां से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे करना है वो तीनों क्लब करके देखना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी यहां पर भी मैं समझा रही हूँ बट वहां पर आपको फील ही अलग आएगी पर यह भी समझना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे थोड़े शॉर्टकट्स भी घुसा रही हूँ मैं तो ये समझ लिया अब ये कहाँ से समझेंगे देखो अगर आप अरुण शर्मा की बुक ले सकते हो तो वो ले लो अरुण शर्मा की बुक लेनी कंपलसरी नहीं है मेरे वेबसाइट पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लॉक डॉट कॉम पर जी मैट की बुक है इसके अंदर से भी आप समझ सकते हो अगेन जिस वीडियो के अंदर मैंने बुक्स की बात करी है उसके अंदर मैंने टॉपिक्स मार्क करवाए हैं कि आपको ये ये पढ़ना है ठीक है यहां तक मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ कि टॉपिक्स भी बता दिए मैंने कि ये ये आपको पढ़ना है बुक का नाम तो बता ही रही हूं अगेन अरुण शर्मा बाय करो तो मैंने बता दिया कि ये ये तो प्लीज बुक्स बाय करने से पहले वो वाली वीडियो जरूर देख लेना ठीक है ये हमने सबसे पहले करना प्रैक्टिसिंग फाइव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बैक टू बैक टिल यू आर नॉट एबल टू सॉल्व देम इन थर्टी मिनट्स अब देखो यहाँ पर आपको डिविजन करनी है क्या डिविजन करनी है इसके अंदर पिरामिड बना के दिखा देती हूँ आपको फर्स्ट स्टेप क्या है थ्योरी पढ़ रहे हैं हम ठीक है मेरे को समझना है कि भैया इन्फ्लूस का मतलब क्या है पढ़ी मैंने मार्क किया बुक के अंदर ही बुक के अंदर ही नोट्स बना बनाने अंडरलाइन कर लिया ताकि बार बार आकर रिवाइज कर, कर सकूँ जब मन चाहे जब कोई प्रॉब्लम आए ये हो गया फिर मैं आगे अपने सेकेंड स्टेप पे सेकंड स्टेप पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ अब क्योंकि मैंने अभी नई नई थ्योरी पढ़ी है प्रैक्टिस करने में, में मेरे क्वेश्चंस गलत जाएंगे ठीक है क्वेश्चंस गलत जाएंगे अब यहाँ का टिप क्या है यहाँ का टिप बेटा ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो अगर क्वेश्चन सही हुआ है तब भी देखना है कि मैंने क्या क्या मैंने यू नो तुक्का मारा था गैस वर्क किया था या फिर मैंने कुछ अकल लगाई थी कि ये आंसर इसलिए बनेगा रीजन के साथ आंसर दोगे तभी आंसर करेक्ट आएगा तुक्के मारोगे तो कभी गलत कभी सही, तो reason के साथ आंसर देना और अगर गलत हुआ तो दोबारा पे जाओगे तो स्टार्टिंग में हमें फाइव आरसी अगर मैं दिन के दो आरसी भी अपने गिवन टाइम में सॉल्व करती हूँ बट मैं समझती हूं कि कौन सा आंसर सही हुआ वो क्यों हुआ जो गलत हुआ वो क्यों हुआ जो सही आंसर है वो क्यों है तो फिर बात बनेगी क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है यहाँ पर क्या हो रही है प्रैक्टिस हो रही है और थ्योरी के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है अब मैं थ्योरी पे वापस भी जाऊंगी कि अच्छा ठीक है मैंने ये समझा मेन आइडिया का ये ये कह रहे हैं आंसर ये बन रहा है तो अगर आप इतनी मेहनत ये अगर ये चीज आप दस से पंद्रह दिन के लिए करते हो कि पाँच दिन आपने थ्योरी को, ऊपर दिए दो से तीन दिन थ्योरी में हो जाते हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस पे गए फिर थ्योरी पे आए फिर प्रैक्टिस ये किया और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके आंसर्स करेक्ट आने लग जाएंगे तो इसका मतलब आप थर्ड स्टेज पे पहुंच गए और थर्ड स्टेज में क्या करना है थर्ड स्टेज में आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है ठीक है यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज में आप प्रैक्टिस कर रहे थे आपका एम क्या था कि मेरे आंसर सही आने लग जाए कि मेरे आंसर करेक्ट आने लग जाए और मुझे रीजन पता हो कि जो आंसर है वो क्यों है ठीक है थर्ड स्टेज में टाइम मैनेजमेंट करेंगे फिर हम टाइम मैनेजमेंट में फाइव आर सीज बैक टू बैक सॉल्व करेंगे क्योंकि फाइव टू सिक्स आर सीज हमारे क्लैट में आ जाते हैं और वो क्लैट के साइज के होने चाहिए अगर वो क्लैट के साइज के नहीं अवेलेबल आपके पास तो अगर तीन से चार आर सीज भी आप इतने टाइम में कितने मिनट में सॉल्व करने थर्टी मिनट्स के अंदर हमें क्लैट के साइज के आर सी सॉल्व करने क्लैट के साइज के आर सीज हमें कैसे पता चलेंगे क्लैट ट्वेंटी 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 टू का क्वेश्चन पेपर देखना है बार बार ठीक है ना वो हमारी मेन चीज है उसको देखना है जब भी कंफ्यूजन होगी हमारे पास ठीक है तो ये आपको करना है ये कर दिया ठीक है अब आपने हमने थर्टी डेज दिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तो आप हर रोज दो घंटे के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को ऐसे करो कि जब ये स्टेज होगी तो इस पे आगे जब ये होगी तो इस पे आगे फिर उसके बाद आप टाइम निकालोगे कि मैं एक घंटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को दूं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ और मैं प्रैक्टिस 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 करता रहूं जब तक थर्टी मिनट्स के अंदर मेरे आर सही नहीं आने लग जाते ऐसे करना है बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं डायरेक्टली आर सॉल्व करने बैठ जाते हैं सिर्फ थ्योरी कर बैठ जाते हैं ये नहीं करना है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट कर 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 करोगे तो RC बहुत अच्छे से सॉल्व पाओगे और आरसी पे अगर ग्रिप बना ली तो ये वाली ग्रिप आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जो ग्रिप है आपको लीगल में भी काम आती है और लॉजिकल के अंदर भी काम आती है ठीक है उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच ये तो दो दिन का काम है बिल्कुल संडे को किसी दिन बैठ जाओ खोलकर दो तीन देख लो, बना लो और खत्म स्टोरी ठीक है जब मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात करी कि कितना टाइम आपको देना चाहिए तो मैंने बोला कि सही अगर आप टाइम दे सकते हो तो फोर आवर्स बहुत ही सही रहेगा ठीक है ना तो अगर आप फोर आवर्स दे रहे हो तो बहुत ही सही रहेगा और अगर थ्री आवर्स दे रहे हो तो टाइम डिविजन कैसे करना है ये डिस्कस कर लेते हैं पहले तो फोर आवर्स अगर आप दे रहे हो तो उसके अंदर से वन टू वन आवर्स आप अपने न्यूज़पेपर को दे दो किसको दे दो न्यूज़पेपर रीडिंग को दे दो ठीक है ना तो न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं करती ही हूँ एग्जाम आयर पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं बहुत बढ़िया रहोगे बिकॉज बहुत सारे बच्चे कहते हैं दी हमें समझ नहीं आता ये सब तो वो फॉलो करोगे तो बढ़िया रहेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो सिक्स टू सेवन होती है बट वैसे रिकॉर्डेड सेशन रहता है अगर आपको लेट लगता है तो आप अगले दिन पिछले दिन की सुन लो ठीक है ना तो अगर जैसे आज फोर्थ अगस्त है ठीक है ना तो फोर्थ अगस्त को मैं थर्ड अगस्त का सुबह उठकर सब कुछ पढ़ लूंगी प्लस आपको यहाँ पर मार्ग न्यूज़पेपर भी अवेलेबल कराया जाता है मार्ग द हिंदू भी अवेलेबल कराया जाता है वीकेंड पे टेस्ट लिए जाते हैं मंथली टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर तो एग्ज़ाम आए पे आप ये कर सकते हो न्यूज पेपर एनालिस बट आपने क्या करना है प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं तो वहां पर मैं बताती हूँ कि ये बेटा नोट कर लो ये इंपॉर्टेंट है इसके हैंड रिटन नोट्स बनाने जरूरी हैं क्योंकि आपको रिविजन के लिए नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जीके के ठीक है तो इसके अंदर आप एड भी करोगे वो मैंने करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है तो फोर आवर्स की डिविजन क्या रहेगी वन टू वन इधर और फिर आप वन पॉइंट आवर्स या तो वन आर वन आर करके ठीक है ना वन आर वन पॉइंट फाइव आवर्स करके आप सब्जेक्ट नंबर वन पढ़ सकते हो सब्जेक्ट नंबर टू पढ़ सकते हो अब कुछ बच्चों को ये अच्छा लगता है उनको एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो आप दो सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हैं एक दिन में कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है तो करंट अफेयर्स करने के बाद आप टू आवर्स जो है डायरेक्टली वो किसको दे सकते हैं आप अपना जो टू आर्स या वन पॉइंट जितने भी टाइम आपका न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद बचता है वो आप सब्जेक्ट को दें ठीक है ना एक सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं तो ये आपके ऊपर है कोई भी करेक्ट वे नहीं है कि अगर एक सब्जेक्ट पढ़ो तो वही सही है दो पढ़ो तो वही सही है नहीं जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप पढ़ो एंड ट्राई करो कि न्यूज़पेपर के नोट्स जब वीडियो देख रहे हो साथ साथ में आपके बन रहे हैं फटाफट स्पीड बनाओ बहुत जरूरी है ये नहीं कि चार घंटे नोट बनाने में लग रहे इतना टाइम नहीं लगता है स्पीड अप करना पड़ेगा ठीक है ना फोकस होकर मतलब अपनी अवेयरनेस लेकर आओ जब पढ़ रहे हो ऐसा नहीं सोच किसी और के बारे में रहे हो देख रहे हो वीडियो नोट्स कैसे बने ठीक है ना जब नोट्स के बारे में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो फिर सारा ध्यान हटाकर दुनियादारी से सिर्फ नोट्स ही करने हैं और वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स में नोट्स प्लस न्यूज़पेपर खत्म कर देना इससे ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है अपना न्यूज को देने के लिए ठीक है ना तो ये आपका रहेगा एंड अगर आप थ्री आवर्स दे रहे हो तो थ्री आवर्स के अंदर अगेन आपको आवर्स अगर आप न्यूज को अलॉट कर देते हो तो बाकी जो बचा हुआ आवर्स है वो आप आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट नंबर ही एक को आप अपना टाइम टाइम दे सकते हो तो ये ये मिनिमम है सेल्फ स्टडी का आपको देना ही पड़ेगा इसके बिना नहीं हो सकता ये देना बहुत जरूरी है तो टॉपिक नंबर टू की बात करते हैं अब हमारा हमने इंग्लिश खत्म कर दिया हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्लस हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच डन हो चुका है पहले मंथ में अब हम सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे दे दे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेकआउट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फिफ्टीन डेज देने फिर टॉर्च पढ़ना है क्रिमिनल लॉ पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली लॉ अब देखियो यहां पर जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि देखो पेपर के अंदर आपको जो जरूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ से पढ़ा है यहाँ से ही आएगा चांसेस हैं कि आ सकता है बट वो कुछ और भी लॉ आपको बता सकते हैं तो यहाँ पर जो नंबर वन चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है नंबर वन चीज़ कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ठीक है हमें क्या होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ अगर हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ है तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तो जब मुझे पढ़ना है मुझे अंडरस्टैंड करना है मुझे लर्न नहीं करना ठीक है ना चीजों को लर्न नहीं करना बिकॉज वहां पे थेफ्ट की डेफिनेशन अगर मैं याद करके जा रही हूँ उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज वो डिफाइन कर देंगे मेरे लिए थेफ्ट मुझे तो थेफ्ट की डेफिनेशन को एनालाइज करके वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सॉल्व करना है समझ रहे हो ठीक है तो इससे मुझे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है नंबर वन नंबर टू जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेरे को अगर है तो वो बहुत बढ़िया रहेगा लॉ दिया हुआ है कोई तो मुझे समझना है कि अच्छा ये हो गया ये हो गया ये हो गया तब हम ये होगा ठीक है वो कैसे आएगा वो लीगल रीजनिंग की मैंने एक वीडियो करी हुई है लीगल रीजनिंग टाइप करना लीगल रीजनिंग उसके ऊपर अराउंड सेवेंटी थाउजेंड व्यूज हैं यूट्यूब पे वो वाली वीडियो देख लोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है रीजनिंग का और ये होता कैसे है ठीक है ना तो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो अगर हम ये पक पढ़ लेते हैं तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ आ जाती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो हमने याद तो करना नहीं अंडरस्टैंडिंग पे काम करना है और फिर हमें अपना मेन फोकस किस पे करना है प्रैक्टिस पे। हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है प्रैक्टिस हम कहाँ से कर सकते हैं पीवाईक्यूज़ क्यूज से तो हम पीवाईक्यूज़ क्यूज की बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लैट के पीवाईक्यूज़ क्यूज और एलेट के प्रीवाईक्यूज़ क्यूज पे फोकस करेंगे ये याद रखना क्वेश्चन पैटर्न जो है वो 2020, 2021 और 2022 ट्वेंटी का चेक करोगे बिकॉज 2019 का पैटर्न अलग था तो जो 2022, 23, थ्री ट्वेंटी का आपका पैटर्न है वो नो डाउट थोड़ा सा डिफरेंस है पैटर्न बट अगर आप पिछले वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो अच्छे से तो आप जो रिसेंट वाले क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल बिल्कुल समझ पाओगे एंड ऑल्सो मतलब जो अब वाले क्वेश्चन होते हैं फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो लॉगरी भी लाएगा दूसरे भी बहुत सारे यू नो मॉक टेस्ट होते हैं कोई भी देते रहो सेक्शन वाइज टेस्ट के लिए जा सकते हो ये आपको करना है और उसके बाद जो एक और चीज करनी है वो है करंट अफेयर्स। जब भी लीगल कोई टॉपिक करंट अफेयर्स के अंदर आ जाता है उसकी भी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी है समझ होनी चाहिए बिकॉज अगर हम 2022 का क्लार्ट का पेपर उठाकर देखते हैं तो डायरेक्टली आपको नहीं लगेगा कि इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन उठाया हुआ है नहीं लगेगा बट अगर आपने लीगल करंट अफेयर्स बहुत ही क्लोजली फॉलो करी होगी हो ट्वेंटी ट्वेंटी में और 2022 में तो आपको लगेगा येस यहाँ पर इन्होंने करंट कॉन्सेप्ट से उठाकर क्वेश्चन बनाया है ठीक है तो इसके लिए आप मेरी जो ऑब्वियसली जो हमारे करंट अफेयर्स के सेशन एग्जाम आर पे हो रहे हैं वो आपको हेल्प करेंगे

एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर कि आपको लीगल के क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत क्लियरली मैं उस वीडियो में बता देती हूँ ठीक है तो वो वीडियोस आपको हेल्प करेंगे उन वीडियोस में से क्वेश्चंस आए थे 2022 के अंदर भी वो आपको हेल्प करती हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के लिए ठीक है लीगल एप्टीट्यूड या रीजनिंग के लिए बुक कौन सी लेनी है आप एलएन एलआर बाय विली ले सकते हैं ठीक है एपी भारद्वाज के लिए भी जा सकते हैं बट अगर आपके पास एपी भारद्वाज है तो उसमें से पढ़ सकते हैं अगर नई बुक बाय करनी है तो आप एल एंड एल बाय विली बाय करे ठीक है प्लस आपकी पी के की उसके लिए एक बुक हो जाएगी एंड एल एंड एल बाय विली में से कौन से चैप्टर्स uh, आपको पढ़ने हैं वो अगेन बुक फॉर क्लाट वाली बुक्स फॉर क्लाट वाली वीडियो में मैंने मार्फ करवाए हुए अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी तो ऑलरेडी आई नो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए वहां पर मैंने आपको सारा मैंशन किया हुआ अगेन वो थ्री वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लाट के बारे में आ जाएगी ठीक है जब हमारा इंग्लिश हो गया लीगल रीजनिंग हो गया थर्ड जो हम उठाएंगे वो है लॉजिकल रीजनिंग ठीक है ना करंट अफेयर्स हमारे साथ साथ चल रहा है थर्ड जो हम उठाएंगे वो लॉजिकल रीजनिंग उठाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में मेरे चार टॉपिक्स ही बनते हैं एज्शन आर्ग्यूमेंट्स इंफ्रेंस कंक्लूजन वीकनिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं अब इसके लिए बुक देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी जो डब्ल्यू पे मैंने पी प्रोवाइड किया हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा पी है उसके अगेन मैंने मेजर टॉपिक्स आपको बुक्स वाली वीडियो के अंदर बता दिए हैं प्लीज़ वो एल्साट के लिए बुक है और अगर आप उस बुक में से वो मेजर टॉपिक्स पढ़ लेते हैं ना तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी देखो यार लॉजिकल रीजनिंग का मैं एक बात बता दूं तुम्हें ये वाले टॉपिक्स हमने पहले नहीं पढ़े होते हैं आजामशन कंक्लूजन ये हमारे लिए कंप्लीटली न्यू टॉपिक्स होते हैं और बहुत बच्चे इसको हाथ ही लगाते हैं उनको डर लगता है बट एक बार बताऊँ अगर तुम मतलब अगर तुमने मतलब सारा हो गया ठीक है थर्टी डेज हमने उसको दे दिए ये हो गया अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर के कहीं पर तुम ये यहाँ पर आ जाओगे लॉजिकल पर ठीक है तुमने पता क्या करना है हर रोज उसको लेकर बैठना है प्रिंट आउट निकलाने जो जो टॉपिक्स मैंने बताया कि अच्छा ये वाले यहाँ से पढ़ रहे हो पहले तुम एक टॉपिक थोड़ा ऑनलाइन पढ़ो तुम्हें लग रहा है हाँ ये बुक मेरे लिए चल जाएगी तो जो मैंने बोले पेजेस वो ही प्रिंट आउट निकलवाओ सारी बुक की प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है देखो यार ऑनलाइन पढ़ना ना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर तुम प्रिंट आउट निकला कर पढ़ते हो तुम्हारे पास रिविजन के लिए और वो इम्पैक्ट दूसरा पड़ता है तो प्लीज प्रिंट प्रिंटआउट्स निकलवा लेना ठीक है अब यहाँ पर क्या है तुमने उठाया तुम्हें पता ही नहीं अजम्पन है क्या चलो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो जब तुम एक टॉपिक को चाहे तुम्हें चार बार पढ़ना पड़े पांच बार पढ़ना पड़े क्लैरिटी के लिए पढ़ो उसको मैं तभी डेज डिफाइन नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में बट मैं नंबर ऑफ डेज दे रही हूँ अगर आप पहले टॉपिक को मान लो अजम्पन आपने अच्छे से समझ लिया और फिर वीकनिंग कर रहे हो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे हो तो अगर ठीक है पहले तो टॉपिक पढ़ना है ठीक है पढ़ा जितना समझ में आया बहुत अच्छी बात है अब क्या होगा कई बार ना आपको एक ऐसा वर्ड मेंशन क्या होगा जिसका आपको मतलब नहीं पता है तो क्या हुआ गूगल करो करो उस वर्ड के बारे उसको अंडरलाइन उसका मतलब लिखो एंड फिर वो सेंटेंस समझने की कोशिश करो अच्छा ये कह क्या रहा है ठीक है पढ़ लिया एक बार पढ़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन सॉल्व किया तो वहां पर तुम्हें ये नहीं ढूंढना कि अच्छा सही आंसर क्या है नहीं तुम्हें क्रॉस आउट करना है कि अच्छा ये तो मुझे नहीं लग रहा ये शायद हो सकता है रख लेता हूँ ये नहीं लग रहा डी अच्छा इन दोनों में से अच्छा ये नहीं है ये आंसर है तो आपको रीजन अब वहां पे जो तो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ उसकी बेस्ट पार्ट पार्टे चाहे उन्होंने चार क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं आपको आपके साथ में नो डाउट प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पर बट उनकी बेस्ट पार्ट बता है बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने रीजन दिया हुआ डिटेल की इसका आंसर जो है ये क्यों नहीं है और जो है वो क्यों है तो अगर आप वो क्वेश्चन को बार बार भी पढ़ते हो ना एक ही क्वेश्चन को और उसको समझ लेते हो बात बन जाएगी गारंटी देती हूँ ऐसे पढ़ने की कोशिश करो ठीक है तो ये आपको करना है लॉजिकल रीजनिंग के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप विली की जी मैट की बुक भी बाय कर सकते हो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो विली की आप बुक बाय कर सकते हो उसमें से कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो अगेन गाइज प्लीज बुक्स वाली वीडियो जरूर देखना बिकॉज टॉपिक्स वहाँ पे मैंशन है मैं हर चीज इसमें घुसा दूंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी ठीक है क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स आपका क्या है मैथ्स प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई ठीक है ना तो मैथ्स के अंदर से आपके ये बेसिक टॉपिक्स बनते हैं वॉल्यूम एंड सर्फिस एरिया स्टैटिस्टिक्स बेसिक एलजेब्रा एवरेज परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन टाइम एंड डिस्टेंस देखो यार सिंपल सी बात बताऊ थर्टी डेजे बाय एस्टन ले लो थर्टी डेज बाय वन ठीक है और उसमें से जो मैंने टॉपिक्स बुक्स वाली वीडियो में बताए हैं वो सॉल्व कर लो ठीक है वो बेसिक आपका सॉल्व हो जाएगा प्लस आपको डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करनी है डाटा इंटरप्रिटेशन की बेस्ट बुक जो अभी तक मुझे लगती है वो ऑलिव बोर्ड ही लगती है ठीक है ऑलिव बोर्ड के अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल वन सॉल्व करने अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक होगा ठीक है मैं आपको एक बात यहां पर बहुत क्लियरली बता दूं इस आपका स्टेप वन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए थर्टी डेज वंडर बेसिक मैथ सॉल्व करोगे फॉर्मूलाज यहां से उठाओगे तभी यहां पर उसको अप्लाई कर पाओगे डाटा इंटरप्रिटेशन में डायरेक्टली डाटा इंटरप्रिटेशन करना है तो फिर करते रहो बात नहीं माननी तो मत मानो एंड प्लीज मैच जो है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड क्वानिटिटेटिव टेक्निक्स बाय आर एस अग्रवाल की बुक आती है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल की बुक वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई नहीं है ठीक है अगर है वो बुक वो नहीं चाहिए ये थर्टी डेज वंडर उसका ही छोटा बहन भाई

तो अगर आप मैथ्स को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे जो कि आप अभी भी दे सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा मैथ्स को ऐसे मत करो कि नहीं करना छोड़कर चला जाऊंगा अगर मैथ छोड़ने के कर रहे हो ना तो बाकी चार सब्जेक्ट्स में आपकी प्रेपरेशन टॉप नॉच होनी चाहिए बट मैं कहूंगी कि ये रिस्क मत लो बिकॉज मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं आता है ईजी मैथ्स आता है उनको भी पता है कि बच्चे जो हैं वो लॉजिकल और मैथ्स से डरते हैं तो वो ईजी डाल रहे हैं आजकल बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स के बारे में बात करनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि क्लैट के लिए करंट अफेयर्स कवर कर पाना इम्पॉसिबल है तो इसलिए कर कर ही क्यों जाना है राइट बट मैं आपको एक बात बताती हूं जिन बच्चों की करंट अफेयर अच्छी नहीं होती वो इसलिए नहीं होती बिकॉज वो कंसिस्टेंट नहीं है कंसिस्टेंट का मतलब वो जो भी चीज उनको बोली जाती है वो हर रोज नहीं करते वो कभी न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे कभी कोई मैगजीन उठाकर पढ़ लेंगे कभी कोई यूट्यूब चैनल देखने लग जाएंगे कभी कोई मैगजीन फॉलो करने लग जाएंगे कभी कोई वेबसाइट फॉलो करने लग जाएंगे कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है वो ये नहीं कि एक चीज के साथ अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं विजन आई जनवरी से पढ़ करके लेकर अब तक पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी नहीं वो तो वो ना कुछ भी कर लेते हैं जो भी उनको बोलते हैं कभी कोई इंटरव्यू देखा अच्छा उसने ये यूज किया था चलो आज से हम ये करेंगे अच्छा उसने ये किया था आज से हम ये करेंगे देखो यार सबसे पहले तो ना मतलब अगर आपको कॉपी भी करना है किसी को तो अकल से कॉपी करो ठीक है ना तो अकल से कॉपी करने का ये है कि आपको क्या सूट करती है चीजें वो करो ठीक है ऑप्शंस प्रिपरेशन की बहुत हैं बट आपको क्या सूट कर करे और हर रोज अगर, अगर अपनी स्ट्रैटेजी ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं है हर सब्जेक्ट के लिए आप लोग हर रोज अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हो देयर बाय जब तक एग्जाम होता है कोई आपका प्रिपरेशन सही से हो ही नहीं पाता तो आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो और करंट अफेयर्स के लिए देखो यार न्यूज पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है द हिंदू हर रोज पढ़ो एंड वन न्यूज इज मोर देन इनफ देखो एक न्यूज आप हर रोज अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना एक न्यूज़पेपर को हर रोज अच्छे से पढ़ो द हिंदू को पढ़ो एंड द इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज मिस होगी वो देखो हो यार आपको एक बात याद रखनी है आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, ठीक है ना और बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आप दो न्यूज़पेपर हर रोज नहीं पढ़ सकते दो न्यूज पेपर पढ़कर उनके नोट्स बनाने वो और भी अलग बात है अब आप कहोगे कि अगर हम सिर्फ पढ़ लें और नोट्स ना बनाएं देखो अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कहाँ से करोगे और रिवीजन नहीं करोगे तो करंट अफेयर्स याद कैसे रहेंगे ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर जिन्होंने न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ा बट उन्होंने नोट्स नहीं बनाए बाय द एंड ऑफ इट उन्हें कुछ याद ही नहीं था पेपर के अंदर उनके पास जो लास्ट के टेन फिफ्टीन डेज थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें तो इसलिए अगर आप नोट्स बनाते हो एक न्यूज़ पेपर को पढ़कर नोट्स बनाते हो तो बहुत बेहतरीन नोट्स भी बनेंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी भी होगी जो

अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे इंस्टेड ऑफ़ कि आप दो न्यूज़पेपर पढ़ो कुछ डेली का जो कोई भी यू नो कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहे हो वो भी आप पढ़ो तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना है ना क्योंकि आपके बोर्ड्स भी हैं आपको दूसरे क्लास के सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं और आपको करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं तो आपको कौन सा स्मार्ट स्टडी का तरीका कौन सा हुआ जो कि जो कि मेरे को हर रोज मैं जिसको टाइम भी दे सकूं कंसिस्टेंटली फॉलो भी कर सकूं और जिसका कि जो अगर मैं मिस आउट कर रही हूं तो उसका भी मेरे पास सब्सटीट्यूट अवेलेबल है ठीक है अब आप कहोगे कि दी अगर आप इतना ही सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट बोल रही हो तो अगर हम न्यूज ना पढ़ें और मंथ के एंड के अंदर विजन आईएस या दृष्टि आई पढ़ लें तो भैया उठाकर देख लो जानवरी की दृष्टि आई एस उठाकर देखो तुम्हारे ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि दीदी दी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं समझ में आ रहा बिकॉज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा मेरे साथ जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ठीक है ना जिन बच्चों ने अप्रैल में जून जुलाई मेरे साथ न्यूज़पेपर फॉलो किया है एग्जाम आयर पर उनकी ही खुद की वर्डिंग्स है चैनल पर जाके चेक कर लेना कि हमें न्यूजपेपर समझ में आने लगे हमें करंट अफेयर समझ में आने लगी क्योंकि मैगजीन के अंदर 70 टू 80 परसेंट न्यूज आपके ऐसी होगी जो मेरे साथ आपने डिस्कस कर ली होगी सिर्फ 10 टू 20 परसेंट न्यूज ऐसी होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी और वो भी आपको समझ में आने लग जाएगी बिकॉज उसका कहीं ना कहीं हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा क्योंकि जो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाती हूँ उसमें मैं आपको बैकग्राउंड भी डिस्कस करवाती हूँ ठीक है ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो इसलिए बेटा द हिंदू हर रोज मेरे साथ पढ़ लो अगर मेरे साथ नहीं पढ़ना तो खुद से पढ़ो या फिर कहीं और से जो भी आपको जहां पे ठीक लगता है वो करो बट द हिंदू पढ़ो ठीक है अब यहाँ पर क्या है मैंने आपको वन टू वन पॉइंट फाइव आवर्स बोला है द हिंदू के लिए तो उसके अंदर आप नोट्स भी करो जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे पढ़ना है जो एडिटोरियल में पढ़ने के लिए दे देती हूँ वो भी आप पढ़ो ठीक है ना तो वो सही रहेगा रीड द हिंदू एवरी डे प्लस मेक नोट्स ये आप करो ये हर रोज का एवरी डे का है अब आप बोलोगे दी हमें न्यूज ड्यूरेशन कितने से कितने की हमें न्यूज पढ़नी है देखो आज से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो अगस्त के अंदर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो ठीक है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिया रजिस्टर के अंदर मंथ वाइज नोट्स बनाओ बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे डेट वाइज नोट्स बनाने हैं सिंपल हो गया अब यहां पर अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो एट टाइम लॉग इन पे मैं इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे वो आप देख सकते हो एंड आपने क्या करना है विजन आई या दृष्टि आई भी फॉलो करनी है जैसे ही जिस मंथ की आ जाएगी वो आप चेकआउट कर लोगे इतना कर सकते हो अगस्त से लेकर ये जो दिसंबर तक है और न्यूज दिसंबर तक पढ़ना है जब तक एग्जाम नहीं होता जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी न्यूज पेपर पढ़कर जाओगे कुछ नहीं पता चलता कौन सा कॉन्सेप्ट न्यूज पेपर वाले डिस्कस कर दें और वो एग्जाम में आ जाए ठीक है ये बात क्लियर है अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की ठीक है ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो अभी बात करेंगे और हाँ एग्जाम आर का टेलीग्राम ग्रुप भी है टेलीग्राम पे मैं न्यूज़पेपर पोस्ट कर देती हूँ ये सारा मैंने डिटेल्स एग्जाम आर की दी हुई है तो न्यूज़पेपर पढ़ना सही आपके पिछले वाले बैच के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी आप लोगों के लिए है तो उसका अच्छे से यूज करो ओके बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ड्यूरेशन भी यहाँ पे बताई हुई है जनवरी 2022 ट्वेंटी तो टू टू दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू या फिर दिसंबर 2021 से भी लेकर दिसंबर 2022 कवर करना है तो कर सकते हो अब देखो यार अगस्त का तो तुम पिछला भी कवर कर लो मैं यही कहूँगी सारे सेशन देख लो और अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू से तो न्यूज पेपर पढ़ रहे हो तुमने प्रॉमिस किया मुझे अच्छा कॉमेंट नहीं किया कॉमेंट कर दो प्रॉमिस करता हूँ लॉगिरी आपको प्रॉमिस करता हूँ आई विल रीड द न्यूज पेपर एवरी डे एंड मेक नोट्स आई विल रीड द न्यूज पेपर एवरी डे एंड रीड एंड मेक नोट्स ठीक है ना अब यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया ये तो हो गया प्लस हम मैगजीन अपनी फॉलो करें ये सॉर्टेड है ये सॉर्टेड रहना चाहिए देखो यार करंट अफेयर्स ये एक ऐसी चीज है जो एंड में नहीं कवर होती बाकी सब चीज़ें कवर हो जाती है पता है एंड में भी ये करंट अफेयर्स नहीं होती और तुम इसको एंड के लिए छोड़ देते हो ये हो गया इतना करने लग ना तो बहुत चीजें हो जाएंगी ठीक है अब क्या करें हम जनवरी से लेकर के जुलाई ट्वेंटी का क्या करें इन महीनों का इन महीनों के लिए या तो विजन आई फॉलो करने लग जाओ देखो विजन आई का एक मंथ का एक ही मैगजीन आता है दृष्टि आई है इसका एक मंथ के दो एडिशन आते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो फॉलो करो पर अच्छे से फॉलो करो ठीक है प्रॉमिस रहा मैगजीन पढ़ने का सिचुएशन समझा दूंगी बुक्स वाली वीडियो में मैंने समझाई भी है कि कैसे पढ़ना और वो बहुत क्लैरिटी लेकर भी आता है ठीक है ना नो no डाउट तुम लोग बोलते रहे तो अरे नहीं एक बड़ी वीडियो करो बट वो बुक्स वाली वीडियो में टुवर्ड्स दी एंड समझाया भी है कि ये मैगजीन्स पढ़नी कैसे हैं तो ये वाला मैं बता चुकी हूँ कैसे पढ़नी है तो इन वाली मैगजीन्स को पढ़ो ठीक है अब तुमने खोली मैगजीन वहां पे लिखा हुआ है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अब तुम्हें नहीं पता जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती क्या है सर्च करो गूगल पे सर्च किया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है उसको गोला मारा वहां पे लिखा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ये पढ़ना स्टार्ट किया उसके बाद तुमने पढ़ा तुम्हें कुछ समझ नहीं आया बढ़िया क्या करना है गूगल पे जाओ उसके बारे में लिखो दो तीन आर्टिकल उससे रिलेटेड पढ़ो एंड वहां पे कुछ ना कुछ तुम्हें समझ में आएगा फिर जाकर पढ़ो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको ऐड करो एंड यू आर डन बट तुम्हें ये मैगजीन कम से कम फोर टू फाइव टाइम्स रिवाइज करनी पड़ेगी और ये कब करोगे वीकेंड्स का यूज करो वीकेंड्स का यूज करो देखो जो तुमने चार घंटे दे दिए क्लाट को वो तो ठीक है बट जहां पे भी तुम्हें टाइम मिले तुमने तुम्हारे स्कूल से छुट्टी है ठीक है क्या करोगे वेले नहीं घूमना इधर उधर फ्री नहीं घूमना है ठीक है टेलीग्राम पे वो मैसेजेस जो रिप्लाई करते रहते हो मतलब इतना टाइम है यार मैंने मैंने बड़े ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं मैं तो ट्रामाटाइज हो जाती हूँ मतलब दस हजार मैसेज पांच हजार मैसेज क्या वेले हो तुम मतलब फिर कह दो क्लाट की तैयारी कैसे करें भाई वो ग्रुप छोड़ दो तुम फिर तैयारी तैयारी हो जाएगी इतना टाइम वेस्ट कर दो देखो यार सोशल मीडिया को भूल जाओ मतलब सोच लो कि है ही नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करना है तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो एक रील देखने बैठ गए तो मतलब सॉरी हंड्रेड टू हंड्रेड रील्स देख रहे हो क्या ठीक है ना कोई नाच रहा है कोई खाना बना रहा है जो कि तुमने नहीं बनाना है तुम्हारी मम्मी तुम्हें बना के दे रही है तो क्या देखो यार मैं तुम्हें सिंपल बात बताती हूँ तुम टाइम वेस्ट करते हो चौबीस घंटे तुम्हारे पास है स्कूल में जाते हो सोते हो ये सब करते हो और एक सोना भी सात घंटे पर ले आओ बारह बारह चौदह चौदह घंटे सोने से नहीं होने वाले है। ठीक है ना सिक्स टू सेवन सेवन टू एट आवर्स की स्लीप बहुत है सेवन आवर्स बहुत रहती है बाकी जितना मर्जी सो लो सराहने को जितना मर्जी अपनी गर्दन के नीचे देकर सोते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उतने ही आलसी बनोगे वो टाइम यूज करो जैसे ही फ्री टाइम मिला दे दो ना दन ऐसे करोगे तभी ये बैकलॉग कवर होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है अब बहुत बच्चे बोलेंगे दीदी दी अब न्यूज़पेपर करने से क्या फायदा है ना अब तो चार महीने रह गए बेटा अगर तुम ये वीडियो एग्जाम से दस दिन पहले भी देख रहे हो पांच दिन पहले भी देख रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ लो फायदा ही देके जाएगा गारंटी देती हूँ ठीक है तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने एग्जाम आया स्टार्ट किया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो वहां पर आओ मेरे व्यूज बढ़े इसलिए क्योंकि वो आपको सच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ठीक है और आपको डिफरेंस फील भी होगा वन मंथ के लिए कॉन्टिन्यूसली क्लासेस लगा के देखना हाउ मच टाइम तो अगर हम हाउ मच टाइम डिस्कस करें तो वही मैंने आपको पहले ही बता दिया फोर आवर्स दोगे तो बहुत ही बढ़िया रहोगे ठीक है रिवाइज करो अपने टॉपिक्स वीकेंड पे अगर कर सकते हो तो बहुत सही रहेगा न्यूज तो स्पेशली और जो भी कुछ पढ़ा है थ्योरी पढ़ा है वो रिवाइज कर लो मतलब वीकेंड पे न्यूज रिवाइज कर लो अगर कुछ थ्योरेटिकल पढ़ा है वो रिवाइज कर लो नहीं तो नए टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो ठीक है ना कवरिंग करंट अफेयर बैकलॉग यार मैं बता रही हूँ मुझे फोन आते हैं बच्चों की दीदी तो शादी पे जा रहे पंद्रह अरे भाई ठीक है शादी एक बार होती है वैसे आजकल कंफर्म नहीं है शादी एक बार होगी वो बंदा दो तीन बार शादी कर ले तुम्हारा पेपर एक ही बार होगा तुम्हारा ये ट्वेल्थ का टाइम नहीं दोबारा आना तो शादियों को पाए बाय बोल दो शादी बर्थडे पार्टी रिश्तेदार फ्रेंड सब भूल जाओ को कि टाइम नहीं है भैया मेरे पास आठ महीने मेरे से बात मत करना ठीक है चार महीने ये वाले पाँच महीने ये लगा लो उसके बाद तुम्हें बोर्ड्स की तैयारी करनी है उसके बाद और भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं और भी एग्ज़ाम्स हैं तुम तो वो आठ नौ महीने यार मैं मेरे को नहीं बात करनी है किसी से भी अगर ये कर सकते हो फिर यार तुम कर सकते हो चार महीने में तैयारी शेड्यूल टू फॉलो और सजेस्टिव सीक्वेंस ऑर्डर इन विच यू शुड स्टडी द टॉपिक्स ये मैं बता रही हूँ तुम्हें डे टू डे स्टेड्यूल यहाँ पे फर्स्ट से लेकर फिफ्टीन ऑगस्ट मुझे पता है वीडियो लेट गई है तो थर्ड ऑगस्ट से लगा लो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारे पंद्रह अगस्त को तुम्हारी छुट्टी है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम दे करके सारा का सारा जो जो, जो भी चीजें हैं वो खत्म हो सकती हैं ठीक है थीके? उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वन आर ऐसे कर लो क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया था ना प्रैक्टिस करनी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बता जाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशनस के लिए फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस ट्राई करो कि साथ-साथ क्वेश्चंस भी लगा सको जब-जब एक-एक टॉपिक हो या फिर तुम ये कर सकते हो फटाफट से 10 दिन में सारे टॉपिक्स खत्म किए और फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ये भी तुम शेड्यूल बना सकते हो ये तुम्हारा शेड्यूल है लीगल का उसके बाद तुम्हारा लॉजिकल कंक्लूजन देखो यार अक्टूबर तक ट्राई करो कि सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाए यहाँ पे नो no डाउट मैंने इंग्लिश मेंशन करी है लॉजिकल मेंशन करी है करंट तो तुम्हारा एवरीडे शेड्यूल में मैंने कवर कर ही दिया है और तुम्हारा लीगल कवर करवा दिया अब हमारा रहता है बैकलॉग बैकलॉग मैंने तुम्हें वीकेंड पे कह दिया सबसे पहले उठाकर करो एंड वीकेंड्स पे तुम्हारे सारे वीकेंड्स नहीं बैकलॉग पे लगने चाहिए स्पीड भी होती है कोई चीज एंड फिर उसके बाद मैच भी तुम्हें वीकेंड पे ही उठा उठा कर करना है बिकॉज आई वॉन्ट कि जो तुम्हारा नवंबर का मंथ है नवंबर के मंथ के अंदर हमें क्या स्टार्ट कर देना है रिविजन करनी है और मॉक टेस्ट करने हैं ठीक है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर स्कूल से जितनी छुट्टियां ले सकते हो उतनी ले करके ना ये चीज करने लग जाओ अगर तुम्हारा स्कूल वो है जहां जरूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती फिर तो बढ़िया यार फिर तुम्हारी लाइफ और भी इजी है बट अगर जाना पड़ता है स्कूल में थोड़े से प्रोजेक्ट्स आते हैं अगर उसमें कम भी मार्क्स आते हैं तो वो तुम्हें अपने मॉम डैड से बात करनी पड़ेगी कि डैड आई हैव प्लान कैन वी डिस्कस तो आज के आज ही डिस्कस करो और ये प्लान को एग्जीक्यूट कर दो राइट और मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी तुम्हें वीकेंड्स पे और जब भी टाइम फ्री मिले वो तो हमारे चार घंटे हैं फोर आवर्स हैं, वो तो मेरे पक्के हो ही गए हैं उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना ही पड़ेगा दिन है वो तो ऐसे ही निकल जाते हैं वो हम काउंट नहीं करें हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा पेपर तो बस दिसंबर में पहली तारीख को ही हो जाएगा वैसे वो पहली तारीख को नहीं है क्लियर कर लो ठीक है ना बहुत बच्चे फिर कॉमेंट करते हैं एक तो तुम पूरी वीडियो नहीं देखते हो एक पार्ट और कर, कमेंट करने लग जाते हो पूरी क्यों नहीं देखते माना लंबी वीडियो है बट तुम्हारी नॉलेज के लिए बनाई है पेपर पढ़ना कैसे है देखो यार अपने पेपर को तुम स्टेजेस में डिवाइड करोगे प्रेपरेशन को पेपर को नहीं स्टेजेस में प्रेपरेशन को डिवाइड करोगे तो पहली स्टेज कौन सी है रीडिंग थ्योरी मतलब समझना अंडरस्टैंडिंग हर चीज को समझना क्या चीज कैसे होगी क्या चीज क्या है वोट करना और साथ में नोट्स बनाना नोट्स बुक के अंदर ही बनाने हैं अंडरलाइन करना कोई पैराग्राफ बहुत बड़ा है उसमें से चार पांच पॉइंटर्स ही निकल रहे हैं उसको निकाल कर साइड पे लिख लो अटैम्प्टिंग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो हम प्रैक्टिस करेंगे रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स वीकेंड्स पे हम अपनी मैंने आपको बता दिया थ्योरी और न्यूज तो रिवाइज कर ही रहे हैं एग्जाम आयर का जो मैं यू you नो know, प्रैक्टिस करवाती हूँ करंट अफेयर वो भी कर लोगे तो ये स्टेज वन है स्टेज वन के अंदर हम क्या करें समझ रहे हैं चीजों को नोट्स बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं देखो यार बहुत बच्चे क्या होते हैं वो या तो डायरेक्टली प्रैक्टिस करने लग जाते हैं या फिर सिर्फ थ्योरी बोल के बोलते हैं कि अब मैं पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट करके आऊंगा जबकि प्रैक्टिस करते नहीं तो प्रैक्टिस भी करनी इक्वली इंपॉर्टेंट है ये खत्म हो गया तो उसके बाद हम सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं जिसमें रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है और अटेम्प्ट करना है बिकॉज मार्क्स अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है बिकॉज इनको एनालाइज करके मुझे पता चलता है कौन से टॉपिक्स में मैं वीक हूं फिर मैं उनके को पढ़कर स्ट्रॉन्ग बना सकती हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि वन फिफ्टी जो कि पैसेजेस के साथ हैं वो मैं दो घंटे में कैसे सॉल्व कर सकती हूँ वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगेगा मार्क्स कम आएंगे बट इवेंचुअली बढ़ जाएंगे अगर लगे रहोगे तो नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है लिंक आपको सारी सीरीज का सा लिंक की लास्ट मिनट में क्या क्या चाहिए होता है वो मैं बता दूंगी रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस टू टू थ्री टाइम्स, ये भी करना है कि थ्योरी में भी हमें अच्छे होना है ताकि हम एप्लीकेशन में कुछ भी गड़बड़ ना करें तो ये हमारी स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन है सो गाइज दैट्स इट फो टूडेज वीडियो अगर आपको अभी भी हेल्प चाहिए तो आप मेरा वन ऑन वन सेशन बुक कर सकते हैं ये एक पेड सेशन होता है जिसके अंदर आप मेरे से ही बात करते हो येस yes, मेरे से ही बात करते हो लॉगरी से बात करते हो जिसके अंदर मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता ही देती हूँ ठीक है ना अगर आप वो सेशन बुक करना चाहते हो तो लिंक के ज्यादा डिस्क्रिप्शन बॉक्स बट एक ज्ञान की बात बता दूं जो तीन वीडियोस का मैं बार बार बोल रही हूँ वो प्लीज़ 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 देख लेना नो डाउट मुझे व्यूज़ मिलेंगे बट आपकी ज़्यादा मदद होगी मेरे व्यूज़ से ठीक है ना मतलब वो व्यूज़ मुझे तो मिलेंगे ही बट आपको भी वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी प्रॉमिस करती हूँ तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करूंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट भी कर सकते हो ये वीडियो कैसी लगी मोटिवेटिंग लगी या नहीं आपको क्या फील हो रहा है ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ 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 अपने सारे के सारे इमोशंस नीचे मेरे साथ शेयर करना कॉमेंट्स के अंदर मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ सो येस दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ एज यू सुपर सून बाय बाय एंड टेक केयर ऑल द वेरी बेस्ट